भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। मंच पर मौजूद आम आदमी पार्टी के नेतागण और मेरे सामने मौजूद आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को मेरी प्यार भरी नमस्कार, मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, मेरा प्यार भरा सलाम। साथियों, 26 नवंबर 2012 को बनी आंदोलन की कोख से जन्मी एक छोटी सी आम आदमी आम औरत की आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में एक लंबा सफर तय कर आई है। जब मैं संसद में इससे पहले वाले सत्र में भाषण दे रहा था तो भाजपा के नेताओं ने आम आदमी पार्टी को एक सुपारी जितनी पार्टी कहा था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है, यह क्या भाजपा का मुकाबला करेगी। मैं आज इस मंच से भाजपा के नेताओं को बताना चाहता हूं कि जिस पार्टी को आप सुपारी जितनी पार्टी कहते हैं वो पिछले 10 सालों में 161 विधायक, 11 सांसद और 2 राज्यों में सरकार वाली पार्टी बन चुकी है। यह सुपारी जितनी पार्टी 10 साल के भीतर राष्ट्र पार्टी बनी। यह सुपारी जितनी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार भाजपा को शिकस्त दी और पंजाब के पिछले चुनाव में लगभग 0 पर लाकर भाजपा को खड़ा कर दिया। यह वो सुपारी जितनी पार्टी है साथियों जिसका काम देखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फर्स्ट लेडी से लेकर यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल तक आते हैं। और यह वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर दिखाया जो पिछले 75 सालों में किसी राज्य की किसी सरकार ने नहीं करके दिखाया। सर, यह क्यों हो पाया? यह इसलिए हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसा नेता है जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, सूझवान है। और उस नेता की ईमानदारी की कसमें देश और दुनिया में खाई जाती हैं। उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। भाजपा वाले जब मुझे मिलते हैं तो मुझसे अक्सर पूछते हैं, कहते हैं कि भाई भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा के पास तो बहुत पैसा है, संसाधन है, गोदी मीडिया है, ईडी है, सीबीआई है, इतना बड़ा संगठन है, सरकारी सिस्टम है, तुम लोगों के पास क्या है। तब मैं उन लोगों को कहता हूं आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। साथियों, भारतीय जनता पार्टी इसी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करना चाहती, उन्हें जेल में डालना चाहती, उन्हें खत्म करना चाहती। जैसे कंस को यह मालूम था कि देव की नंदन ही उनका वध करेंगे, देव की नंदन ही उनका काल बनेंगे और उन्होंने इसी के चलते देव की और वासुदेव को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया, ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि भाजपा का काल अरविंद केजरीवाल बनेंगे। और इसी के चलते भाजपा अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद करना चाहती। पिछले 10 सालों में भाजपा ने बड़ी कोशिशें करी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर शारीरिक हमले कराए, उनके परिवार को न जाने क्या क्या गालियां दी, उनके विधायकों पर दर्जनों मुकदमे कराए, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया और उपराज्यपाल से लेकर राज्यपाल तक, नोटिफिकेशन से लेकर अध्यादेश तक हर संभव कोशिश करी कि केजरीवाल सरकार को ठप करो,
लेकिन ये आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है कि केजरीवाल ना आज तक रुका है और केजरीवाल ना आज तक झुका है। साथियों, साथियों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जितना जुल्म अरविंद केजरीवाल जी ने सहा है, इतना जुल्म किसी और नेता पर किया गया होता तो शायद वो सह नहीं पाता, वो पार्टी सह नहीं पाती साथी। और वो इसलिए संभव है क्योंकि केजरीवाल जी ने लोगों की सेवा कर दुआएं कमाई और भाजपा ने लोगों की जिंदगी दुश्वर कर उनकी बददुआएं कमाई। अरविंद केजरीवाल जी ने घर का बेटा बनके, परिवार का बड़ा भाई बनकर लोगों की सेवा कर पुण्य कमाया और बीजेपी वालों ने आम आदमी की जिंदगी और हालात मुश्किल कर पाप कमाए। ये केजरीवाल जी के पुण्य और दिल्ली और देश की जनता की दुआओं की बदौलत है कि इतना कष्ट और इतनी सारी परेशानियां झेलकर भी आज आपके नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच खड़े हैं और आम आदमी पार्टी की सेना को सेनापति बनकर मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथियों, जब ये हमारी आम आदमी पार्टी को खरीद नहीं पाए, हमारी पार्टी को तोड़ नहीं पाए, तो भाजपा ने अब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, एक जाल बिछाया है। ध्यान से सुनिएगा, उस जाल के केंद्र में है अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेजना। भाजपा को लगता है कि अगर केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया तो आम आदमी पार्टी ठप हो जाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बंद हो जाएगी और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना है, सरकार को बर्बाद करना है तो केजरीवाल को जेल में डालो। लेकिन आज मैं इस मंच से पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि चाहे यह आपको जेल में बंद करे, चाहे सड़क हो, सचिवालय हो या जेल हो, सरकार अरविंद केजरीवाल चलाएंगे, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। बीजेपी तो चाहती है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, बीजेपी तो चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो जाए। हमें बीजेपी के जाल में नहीं फंसना। दिल्ली के लाखों करोड़ों लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया था, अपने प्यारे बेटे, अपने परिवार के बड़े भाई अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था, अपनी तकदीर की चाबी अपने बेटे केजरीवाल के हाथ में थामी थी। इसीलिए चाहे जेल हो, सड़क हो, सचिवालय हो, सरकार अरविंद केजरीवाल चलाएंगे, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। और अंत में क्योंकि आम आदमी पार्टी एक संघर्ष के दौर से गुजर रही है, मैं आप सबको, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि घबराओ मत, क्योंकि छिड़ी है लड़ाई तो दूर तक जाएगी, छिड़ी है लड़ाई तो दूर तक जाएगी, आज उनकी बारी है, कल हमारी आएगी। भारत माता की, इनकलाब, वंदे।